अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। BSNL की हड़ताल के चलते शहर हैदराबाद के जोनल ऑफिस में भी एम्प्लॉई हड़ताल पर बैठे नजर आए। दो दिन यानी 12 और 13 दिसंबर को ये हड़ताल की गई है। लकड़ी का पुल BSNL ऑफिस पर भी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हड़ताल में मसरूफ नजर आए। रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं करीम खान, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। పే కమిషన్ పే రివిజన్ కమిషన్ 1/1/2017 నుంచి డ్యూ ఉంది. సో 15% ఫిట్మెంట్ తోటి మేము అది అడుగుతున్నాము. ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ పాజిటివ్ డెసిషన్ రాలేదు. మేము ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ సో ఇక 2-3 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. ఏ కమిషన్ కనుక వస్తే చాలామంది ఎంప్లాయీస్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఓవర్ సర్వింగ్ ఇలా డిపార్ట్మెంట్ చాలా కాలం నుంచి పనిచేస్తూ ఉంది. రెండవది సబ్సిడీ టవర్ కంపెనీస్ ఫామ్ చేసేస్తే అది BSNL ఎంప్లాయీస్ భయపడుతున్నారు. అందుకోసం అది కూడా ఉండకూడదని ఈ రెండు రిలే చేస్తున్నారు. దానికి నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మొత్తం BSNL ఇది ఆల్ యూనియన్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కలిసి చేస్తున్నారు. గవర్నమెంటు మా ప్రతిస్పందన చూసిన తర్వాతనైనా మాకు పే రివిజన్ కమిషన్ ఒప్పుకుంటుందని ఆశతో ఎంప్లాయీస్ అంతా ఈ 2 రోజులు సంధి నిరోధక సమితి कल और आज दो दिन हमारा जो BSNL एम्प्लॉज स्ट्राइक कर रहे हैं, वजह क्योंकि थर्ड पीएस के बारे में हम दो दिन ऑल इंडिया लेवल में पूरा स्ट्राइक कर रहे हैं हमारे पूरा BSNL एम्प्लॉज। इसमें जो है पूरा ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन के पूरे जितने भी है ऑल इंडिया में टोटल सक्सेसफुल हुआ 100% हमारा स्ट्राइक, क्योंकि हमारा डिमांड्स है टावर्स प्राइवेटाइज नहीं करना, दूसरे जो उसको सब्जी करके प्राइवेट वाले देने के वास्ते गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं उसको रोकना चाह रहे, और जो है हमारा थर्ड पी के बारे में भी हम लोग कर रहे हैं। जो लास्ट सेकंड पी में हमारा जो डिमांड्स पेंडिंग है वो भी कंप्लीट करते हुए थर्ड पी देना बोल के हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर दो दिन स्ट्राइक करे, और ये भी कंप्लीट नहीं कराना तो बाद में फिर हम ऑल इंडिया लीडर जो आवाज़ देते उस पर हम लोग चलने के वास्ते पूरे इकट्ठा हो गए। तो ये कब से स्ट्राइक साहब ये कल भी करे आज भी करे साहब, 12 तारीख और 13 तारीख दो दिन पूरा ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रहा है साहब। तो आप लोग क्या चाह रहे अभी? थर्ड पी आर सी साहब, हमारा थर्ड पी आर सी ये कमीशन देना है एम्प्लॉयज़ को सब्सिडी रेट टावर्स के बारे में भी हम लोग आपस कर रहे हैं सर। दो आइटम के बारे में ऑल इंडिया में पूरा स्ट्राइक कर रहे हैं हमारा BSNL एम्प्लॉयज़ पूरा। राम सर, मैं मोहम्मद रफीक FNTO के और सर्कल सेक्रेटरी असिस्टेंट सर्कल सेक्रेटरी तेलंगाना। तो ये क्या चल रहा साहब? ये दो दिन का जो है ना स्ट्राइक चल रहा, हमारा डिमांड सिर्फ जो है ना दो ही है। ये फर्स्ट जो है ना हमारा थर्ड पी आर सी रिविजन आने का है 2017 से जी सर, और जो गवर्नमेंट जो सब्सिडरी टावर जो नई कंपनी बनाना चाह रही है हमारे को BSNL से बाइफरकेट करके, उसके भी खिलाफ जो है ना ऑल इंडिया में 2,10,000 एम्प्लॉयज जो है ना अभी स्ट्राइक में है हम लोग, और जो है ना पूरा 99.9% जो है ना स्ट्राइक जो है ना सक्सेस है, और इस स्ट्राइक की वजह से भी जो है ना हम यही डिमांड गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, मोदी जी से या मनोज सिन्हा जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, कि हमारे से जो है ना हमारे जो भी डिमांड्स है उसको जो है ना हमारे जिनाइन डिमांड्स है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BSNL हमारे को जो है ना वाजपेयी जी कुछ हमारे को एग्रीमेंट करे थे, वही एग्रीमेंट के तहत हम जो है ना ये 15% जो है ना रिविजन पूछ रहे हैं, और जो ये मोदी की सरकार जो ये सब्सिडरी कंपनी ये वो बोल के जो है ना जो प्राइवेट लोगों को साथ देना चाह रही है हम उसके भी खिलाफ है, और ये डिमांड करते हैं कि जो है ना हमारा जल्द से जल्द जो है ना प्रॉब्लम सेटल हो, ताकि प्राइवेट लोगों को जो सबसे ये लोग जो फायदा दे रहे हैं उसके भी हम खिलाफ हैं। ये दूसरे कंपनी प्राइवेट कंपनीज को जैसा रिलायंस है, टाटा है, ये लोगों को जो है ना गवर्नमेंट बहुत सा जो है ना रियायत दे रही, हमारे को जो है ना रियायत नहीं दे रही गवर्नमेंट। तो हमारा एक ही डिमांड है कि जो है ना गवर्नमेंट हमारे को जो वाजपेयी जी जो प्रामिस करे वो प्रामिस पे जो है ना पूरा ठहरे,
मोदी जी जो है ना उसके ऊपर अमल करें, और जो हमारे को हमारे जो भी दो डिमांड है, दो ही डिमांड में हम स्ट्राइक कर रहे हैं पूरे जो है ना ऑल इंडिया में, और ऑल इंडिया में भी सक्सेस स्ट्राइक जा रहा है। तो ये कब तक रहेंगे सब स्ट्राइक? ये आज और कल जो है ना दो दिन है, 12 और 13 तारीख, और हमारा पेरिविजन हम 10 साल को एक बार पूछ रहे, 2007 में हुआ, 2017 में पूछ रहे, मेरा दूसरे लोगों को हो गया, हमारे को जो है ना आज तक भी जो है ना नहीं है। हमारे को रोड पे जो है ना एजिटेशन का जो है ना करना जो है ना जरूर करना के लिए मजबूर कर दिया हमारे, और उससे ज़्यादा भी जो है ना हमारे कुछ डिमांड भी नहीं रहेगा, सिर्फ दो ही डिमांड रहेंगे, जिनाइन डिमांड हमारा, क्योंकि हमारा BSNL मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि जो है ना हम देते पेरिविजन हमारे एम्प्लॉइज को, लेकिन डॉट जो है ना नहीं मान रहा, जो गवर्नमेंट से जो है ना सैंक्शन होना पड़ता है, कैबिनेट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है ना सैंक्शन होना पड़ता है, और इसी वजह से, और अगर नहीं है तो और भी जो है ना हम बहुत सा जो है ना इसको स्ट्राइक को जो है ना आगे लग जाने के भी चांसेस है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना ऐसे स्ट्राइकों को हमारे जिनाइन डिमांड्स को जो है ना तुरंत जो है ना इसको सही करें, ताकि फर्दर इसके और जो है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है ना ना हो। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।